जरा आप लोग बताइए एक्सेल में कितने कॉलम, क्या करूं जान के। मैंने रटा एक्सेल में 256 कॉलम, 65,536 रो, पर जिंदगी में काम ही नहीं आया। आपके भी जिंदगी में काम नहीं आएगा परीक्षा और वाइवा को छोड़ के, ठीक है। तो आप लोग रटिए क्योंकि आपको एग्जाम में वाइवा में पूछा जाएगा, ठीक है। आप लोग कह रहे हैं 256 कॉलम होता है, कोई प्रमाण है आपके पास? है प्रमाण? प्रमाण है कि नहीं है, बोलो भाई, कोई प्रमाण है 256 कॉलम का? मैं कहता हूं बताइए क्या प्रमाण है। मैं कहता हूं कि ज्यादा कॉलम होता है। ये देखिए, अच्छा वो 2003 के अकॉर्डिंग है, 10 में बढ़ जाएगा क्या? ओ ये बात है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ठीक है, चलिए एक ठो कॉलम में इंसर्ट कर दिया। अब कितना कॉलम हुआ? अच्छा जितना था पहले वो उतना ही है, तो इंसर्ट किया तो बढ़ना चाहिए ना। आपका मतलब है इधर वाला आ गया? गया इसका कोई सबूत है? नहीं है सबूत? है सबूत? कैसे करूं जरा बताइए कि मुझे पता चल जाए, कैसे करूं? ये लीजिए, कुछ लिख दिया, अब इंसर्ट करूंगा ना मैं तो इंसर्ट नहीं होगा। ये देखिए कौन है, अनिल दोहरे कहाँ हो गया इनको? गुड मॉर्निंग साहब, जय माता दी, और बताइए। अरे मैं आपका हालचाल पूछने के लिए फोन किया था, वो नहीं करेंगे, ठीक। अब इंसर्ट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि लास्ट में खाली जगह नहीं बचा, ठीक है। अच्छा मान लीजिए डिलीट कर दूंगा तो क्या होगा? घटा होगा ना? नहीं घटा है, यही वाला आखिरी में चला गया। प्रमाण ये देख लीजिए, यहाँ आ गया है ना, ठीक है, मान लिया मैं ही गलत हूँ, ठीक है। चलिए डिलीट कर दिया, सामने वाले को बेवकूफ बनाना है तो क्या करिए, डबल क्लिक मारिए, 2-4 बार स्पेस दबा के एंटर दबा दीजिए, ठीक, और इधर आ जाइए, ठीक है। कंट्रोल के साथ एरो दबाता हूँ तो आखिरी में जाता हूँ, फिर कंट्रोल के साथ एरो दबाया तो फर्स्ट में आ गया। अब इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट नहीं होगा, ठीक है, और आखिरी में कोई जाके देखेगा तो आखिरी में खाली ही है, ठीक है। तो इस तरह से आप बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन ज्ञानी आदमी होगा तो यहाँ पे क्लिक करके डिलीट बटन पे क्लिक कर देगा, ठीक है, ठीक। चलिए, आपको मैं कुछ टास्क दिया था क्या? अच्छा मेरे से ही गलती हो गया कि मैं टास्क नहीं दिया, देना चाहिए था। चलिए कभी बाद में देख लेंगे। यहाँ पे एक लिखता हूँ, दो लिखता हूँ और पकड़ के खींच लूंगा इसको, ठीक है, ऐसे पकड़ के खींच लूंगा, ठीक है। तो गिनती लिखा गया, लिखा गया ना, यहाँ पे ए लिखूं, एंटर दबाया, बी लिखूं, एंटर दबाया, फिर पकड़ के खींच लूं तो ए बी सी डी लिखा जाएगा? नहीं लिखाया, मैं चाहता हूं कि लिखा जाए। तो ये टास्क मैं आप लोगों को दिया था, आप लोगों ने किया नहीं किया? नहीं किया, नहीं किया आप लोगों ने? बोला था आप लोग करिएगा लेकिन आप लोग किए नहीं, आप लोग लापरवाह किस्म के आदमी हैं, आप लोगों को करना चाहिए था, ठीक ठीक है। मैं थोड़ा आपको हिंट भी दिया था कि इधर आइएगा आप, ठीक है, और इधर आपको कुछ मिल जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे आप लोग आ जाइएगा, फिर बना दीजिएगा लिस्ट ए बी सी डी ई, बस मेरा हो गया, ठीक है। आप बताइए, लिख के खींच लूंगा तो आ जाएगा नहीं आएगा? पक्का? ये ऊपर वाले मत लाना, लेकिन क्या करें, गलती हो गया, आ गया, ठीक है। मैं डिलीट कर दूंगा अपना लिस्ट तो डिलीट भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना खुद का ऑटोफिल बना सकते हैं, राइट, ठीक है।
चलिए थोड़ा सा फॉर्मेटिंग देख लेते हैं। कल बताया था, मुझे बाद में याद आया कि एक चीज मुझे और भी बताना चाहिए, ठीक है। जैसे SNO माने सीरियल नंबर, नेम, क्लास, ठीक है। एंटर दबाऊंगा तो नीचे आ जाएगा, यहाँ पे लिख दूंगा अमित, अमित नहीं लिखूंगा, यहाँ पे वन लिखूंगा, इधर आके लिख दूंगा अमित, इधर लिख दूंगा DCA, ठीक है। फिर एंटर दबाऊंगा तो अपने आप मेरा कर्सर यहाँ आ जाएगा, दो लिखूंगा, फिर सुमित लिखूंगा, फिर लिख दूंगा DCA, फिर एंटर दबाऊंगा, तीन लिखूंगा, फिर अब नाम बताइए काठो, रमेश लिख दूंगा, ठीक है। फिर लिख दूंगा PGDCA, ठीक है, मैं इतना ही लिखूंगा। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो मैं क्या डालूं वो यहाँ पे हाईलाइट हो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को कल बता दिया था कि ये फॉर्मूला कैसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन दे करके मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि कल बताया था, आप लोगों को समझ में आ गया था, आप लोग बहुत खुश थे कि समझ में आ गया है। अब आप लोग भूल गए होंगे तो आप लोगों का गलती है, आप लोग याद क्यों नहीं किए, ठीक है। प्रैक्टिकल कितने लोग किए थे जरा बताइए। यहाँ पे मैं क्लिक किया, आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर इक्वल टू का साइन दे दूंगा, ठीक है। अब ये सेल एड्रेस तो एक ही रहेगा, लेकिन ये बदलेगा, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब क्या, अब यहाँ पे ए वाला कॉलम को सिलेक्ट किया यहाँ पे, और ये यहाँ पे फिक्स कर दिया है, ठीक है। तो मैं दो को हटा देता हूँ, ठीक है, और कर देता हूँ ओके। गलती हो गया यार, फॉर्मेट नहीं कर पाया मैं। मैनेज रूल्स पे जाऊँगा, जो मैंने रूल बनाया था वो रूल यहाँ है, एडिट रूल्स पे क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पे फॉर्मेट कर लूँगा, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे इसको कर दूंगा वाइट, सेल को फिल कर दूंगा वाइट से, नहीं रेड से, कर दिया ओके ओके, ठीक है। अब ऊपर वाले का नाम ले लूंगा मैं, ये फॉर्मूला अब काम कर नहीं रहा है, ठीक है। क्यों नहीं काम कर रहा है जी, वो क्या बोलते हैं, हमारे फॉर्मेटिंग में गलती हो गया, ठीक है। गलती क्या हुआ है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देख लीजिए, इसको ये इतना ले लिया है, ठीक है। इसको A2 होना चाहिए था जो मैंने किया था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आता हूँ, A लिखा एंटर मारा तो ये आ गया, दो लिख के एंटर मारा तो ये आ गया, तीन लिख के एंटर मारा तो ये आ गया। तो ये तो आप लोग कल देख लिए थे, तो मैं इसको नहीं कुछ बताऊँगा, इस पर फोकस नहीं करूँगा। मेरा फोकस था SNO लिख देता हूँ यहाँ, नेम लिख देता हूँ यहाँ, क्लास लिख देता हूँ मैं यहाँ, फिर यहाँ पे लिख दूंगा 1 2 3, ठीक। फिर यहाँ पे नेम क्या लिख दूंगा, अमित, फिर लिख दूंगा सुमित, ठीक है, मैं कुछ भी नाम दे दे रहा हूँ। फिर लिख दूंगा रमेश, ठीक है, क्लास में DCA, PGDCA, फिर कर दूंगा DCA, ठीक है। अब मेरे को इसमें क्या करना है, वैसे ही करना है जो ऊपर वाले में हाईलाइट में किया है। इसको ऐसे पकड़ लूंगा मैं, यहाँ पे आऊंगा, क्लिक कर दूंगा, ठीक है। ये था हॉरिजॉन्टल में, ये है वर्टिकल में, अंतर ये है, ठीक है। न्यू रूल्स पे क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पे आऊंगा मैं, ठीक है। आप सीधा न्यू रूल पे क्लिक कर सकते थे, जैसे मैं दिखा रहा हूँ कैसे, ये तो मैं मैनेज रूल पे गलती से आ गया। आप चाहते तो यहाँ पे सीधा आ सकते थे, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखना स्टार्ट कर दूंगा। मैं यहाँ पे टाइप करना चाह रहा हूँ तो इसको फिक्स कर दिया, क्लिक करूँगा मैं, अब मैं इसको कर दूंगा ऐसे, ठीक है। इसमें मैं क्या करूँगा, ये तो फिक्स रहेगा, इसको मैं हटा दूंगा, ठीक है। तो ये फिक्स हो गया ये वाला, ठीक है, कर दूंगा ओके। ओके करने से पहले मैं फॉर्मेट कर दूंगा, ये हो गया। बॉर्डर में मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर भी हो जाए, ऐसा बॉर्डर हो जाए, ठीक है। तो ये सब तो मैं बता दिया हूँ, आप लोग जानते हैं, आप लोग ज्ञानी आदमी हैं, विद्वान आदमी हैं, ठीक है, ओके कर देता हूँ अब ओके, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, आता हूँ मैनेज रूल्स, एडिट,
ये B के बाद 5 है ना, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और कर देता हूँ B डॉलर 9 ही एड्रेस होगा ना, 9 कर दिया। चलिए जी, ये गायब हो गया। अब लिखूँगा यहाँ पे 1 तो आ गया, 2 लिखूँगा तो आ जाएगा, 3 लिखूँगा तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो यही एक्सेल का सत्य है, या जो कह लीजिए आप, ठीक है। तो ये बच गया था, मेरे को बाद में याद आया कि मुझे बताना चाहिए, तो बता दिया आप, ठीक। अच्छा एक क्वेश्चन है, ये आप लोग बताओ कि ये जो सीट दिख रहा है ना यहाँ पे, आपसे पूछा जाएगा ऑप्शनल में वाइवा में कि मैक्स सीट बाय डिफॉल्ट कितना इंसर्ट होता है, ठीक। तो कितना होता है इंसर्ट? अच्छा मैं जितना चाहूँ उतना इंसर्ट हो जाएगा। चलिए बाय डिफॉल्ट कितना रहता है, बाय डिफॉल्ट कितना सीट होता है? मैं इंसर्ट नहीं किया पर अपने आप वो रहेगा पहले से, कितना? 3 सीट रहेगा, ठीक। मैं तो कहता हूं कि एक ही सीट रहता है, तो 3 रहेगा 2010 के अकॉर्डिंग, 7 के अकॉर्डिंग और 3 के अकॉर्डिंग, ठीक। मुझे मैं काफी दिन पहले यूज किया था, 2013 में बाय डिफॉल्ट एक ही रहता है, ठीक। उसके हायर वर्जन में भी शायद एक ही रहता है, ठीक है, लेकिन 13 तक मैं यूज किया था जिसमें कि एक ही था, वहां पे साइन यहाँ पे आ जाता था और क्लिक करते थे तो सीट इंसर्ट हो जाता था, ठीक। ये क्यों फॉर्मेट हो रहा है यहाँ पे रेड? लगता है गलती से इसमें भी मैं फॉर्मेटिंग लगा दिया हूँ। मैनेज रूल्स करके यहाँ से मैं कर दूंगा डिलीट, तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए गायब हो गया, सारा गायब हो गया, ठीक है। और मैं यहाँ पे आके कर दूंगा ऑल क्लियर, तो और क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक। एक क्वेश्चन का आप लोग उत्तर दीजिए, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 5, 6, 7, 8 लिख दिया, यहाँ पे कुछ भी लिख दिया और यहाँ पे ऑल्ट इक्वल टू मार के एंटर मार दिया तो हो गया, ठीक। मैं इन सबको कॉपी कर लिया कंट्रोल सी दबा करके, ठीक। यहाँ पे मैं पेस्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक। तो मैं कैसे पेस्ट करूँ कि इसमें जो फॉर्मूला लगा था वो फॉर्मूला ना आए, बताइए। कल बताया था मैं, अच्छा इसमें जाऊं मैं, अब क्या करूं? ये पक्का आ जाएगा ना? अच्छा कर दूं, कर दिया। आपको जान करके खुशी होगा, आप खुद देख लीजिए आपने बिल्कुल गलत बताया है। कोई और बताओ, अरे यार सिंपल आऊंगा यहाँ पे, पेस्ट स्पेशल कर दूंगा, पेस्ट एज अ वैल्यू आ गया। आप सभी लोगों को जानकर के खुशी होगा कि सिर्फ वैल्यू पेस्ट हुआ है, समझ में आ गया। मैं कल या परसों या किसी दिन बताया था, लेकिन आप सब लोग उसमें क्या कहते, सही है, सब समझ में आ रहा है क्यों, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे बोल रहा है कि सिलेक्ट डेस्टिनेशन एंड प्रेस एंटर, यहाँ पे भी मैं एंटर दबा दूंगा तो पेस्ट हो जाएगा, ठीक। लेकिन अब पेस्ट करूंगा तो नहीं होगा, चाहे कंट्रोल वी ही क्यों ना दबाऊं, ठीक। चलिए मैं इसको क्लोज कर दिया। ये बार बार रिस्टार्ट करने के लिए बोल रहा है, इतने देर में रिस्टार्ट कर देगा क्या ये? पोस्टपोन कर दो यार एक घंटे के लिए। कंट्रोल ए दबाया, यहाँ पे क्या लिख के एंटर करूंगा तो एक्सेल खुलेगा, EXCEL एंटर, ठीक। चलिए होम तो टोटल हो ही गया है, इंसर्ट पे हम आ जाते हैं, इंसर्ट को देख लेते हैं। बाकी पिछला जो इसमें जितना मैंने प्रैक्टिकल कराया है ना, वो सारा आप प्रैक्टिकल कर ही लेंगे, क्यों? क्योंकि इंसान हो या हथियार, काम तभी करेगा जब तक कि जंग ना लगा हो। और आप प्रैक्टिस करना बंद कर देंगे मतलब आप में जंग लग जाएगा, फिर आप किसी काम के नहीं है। आप अपना सर्टिफिकेट लेके घर में फ्रेम करके लटका दीजिएगा, कहिएगा कि मैंने भी इतना पढ़ा है। अब उसमें शहद लगा के आप चाटेंगे तो विटामिन सी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपका डिग्री कोई काम का नहीं है, ठीक है। इसीलिए आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक।
आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद है। इंसर्ट मेनू में पहला है आपका पिवोट टेबल। मुझे याद नहीं था कि पहला पिवोट टेबल है। पिवोट टेबल के लिए मैं कुछ डेटा वैसा तो रखा नहीं हूँ कि पिवोट टेबल आपको दिखा दूँ अभी तुरंत। पिवोट टेबल को कल देखते हैं या कल के कल या फिर बाद में कभी देखते हैं, क्योंकि मेरे पास उस तरह का कुछ डेटा मैं बना के रखा नहीं हूँ। ठीक है, मैं बना के लाऊंगा उस तरह का कुछ डेटा तो पिवोट टेबल बता दूंगा। बहुत अच्छा है पिवोट टेबल। ठीक है, मैं आ जाता हूँ टेबल पे। टेबल इंसर्ट करना तो सबको मालूम है, बड़ा आसान है, कंट्रोल प्लस टी दबाना है, शॉर्टकट में भी लिखा है। ठीक है, और ऐसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और कर देंगे ओके बटन पे, तो ये देखिए टेबल आ गया। यहाँ पे कॉलम का नेम आप डाल देंगे, जैसे सीरियल नंबर डाल देंगे SNO, फिर नेम, फिर क्लास, फिर पिन, फिर एड्रेस, फिर कुछ भी। ठीक, कुछ भी डाल देंगे आप, और आप प्रिंट करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, मैं इस टेबल को पूरा डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से टेबल डिलीट भी हो जाता है। ठीक है, और यहाँ सेलेक्ट करूँगा टोटल और यहाँ से कर दूंगा ऑल क्लियर, तो ऑल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपको लाइनिंग दिखाई दे रहा है ना, ये प्रिंटिंग में तो आएगा नहीं, आप जानते हैं। ठीक है, ये देखिए नहीं आ रहा है। कुछ इसमें लिख देंगे तो भी इसमें आएगा नहीं। ठीक है, टेबल नहीं आ रहा है, बस यहाँ पे कुछ लिखा था मैं वही आ रहा है। तो बॉर्डर आप करेंगे तो ही टेबल आएगा। ठीक है, ये आपके सिर्फ समझने के लिए है, आपको मालूम है ये बात। ठीक है, यहाँ पे मैंने मान लीजिए कुछ हेडिंग डाला, नेम, क्लास, एड्रेस। अब इसमें मैं टेबल सेलेक्ट करके अगर बनाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पे है माय टेबल हैज हेडर, इसको सेलेक्ट कर दूंगा तो हेडिंग के रूप में इसको ही ले लेगा। ठीक, देख लीजिए, ले लिया ना, तो इसी तरह से ले लेगा। ठीक है, यहाँ से आप टेबल का नाम कुछ बदल देंगे तो बदला जाएगा, मैंने बदल दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे आप, रिसाइज भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि एक कॉलम बढ़ाना है। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट किया, ऐसे एक कॉलम बढ़ गया, कर दिया मैं ओके, कॉलम टू आ गया, तो कॉलम इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। घटाना है तो ऐसे आप डिलीट कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। तो बहुत आसान चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। ठीक है, और बाकी रो हेडर, टोटल रो, ये सब तो मैं बता दिया था ना कल। चलिए, तो मैं टेबल पे ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए आ जाता हूँ पिक्चर में। ठीक है, पिक्चर से क्या मतलब है बता देता हूँ। क्लिक, आप एमएस वर्ड में पढ़े हैं कि पिक्चर इंसर्ट किया जा सकता है, पढ़े हैं ना, तो वही यहां भी पिक्चर इंसर्ट हो गया, देख लीजिए आप। ठीक है, इसको आप चाहे तो कर देंगे छोटा, कैसे बता रहा हूं, कैसे, ऐसे, ये देखिए छोटा हो गया। ठीक है, ये लीजिए और छोटा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप फोटो वगैरह इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ पे पिक्चर के टूल में आया तो यहाँ पे है रिमूव बैकग्राउंड। ठीक है, रिमूव बैकग्राउंड कर दिया तो मज़ा नहीं आया मेरे को, ये मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, डिस्कार्ड आर चेंजेस। ठीक है, आपको ठीक लगेगा तो आप बैकग्राउंड बदल बदल के देखिएगा, वो मज़ा नहीं आया मेरे को। ये देखिए, ये क्या है, स्पेशल इफेक्ट है। ठीक है, ये देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ इफेक्ट इस तरह से। ठीक है, तो फोटो कुछ एडिटिंग वगैरह जैसे आपको करना है, जैसे मोबाइल से आपने फोटो खींचा है, ठीक है, उसको थोड़ा क्लियर बनाना है, तो यहाँ से आप कुछ करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, ये जैसे ये है, ऐसे यहाँ आएंगे तो ये ब्लैक एंड वाइट होते जाएगा सीधा, फिर कलर 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 कलर। ठीक है, फिर यहाँ से, तो ये कुछ इफेक्ट हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, सेट ट्रांसपेरेंट कलर। ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंट करेगा, पर ज़रूरत तो है नहीं मुझे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ढेर सारा ऑप्शन आएगा। ठीक है, मेरा कंप्यूटर बहुत हैंग करने लगता है जब मैं इस पे काम करने लगता हूँ। ठीक है, आपको इस पे इफेक्ट दिखाई दे रहा है, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ से आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा यहाँ से। ठीक है,
मेरा सिस्टम का थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन डाउन है, इसलिए ये देख बहुत हैंग कर रहा है मेरा। ठीक है, यहाँ से करेक्शन वगैरह के रिलेटेड है, कितना लाइट चाहिए आपको। ठीक है, ये देखिए जिस पे मैं सिलेक्ट करूँगा, इस पे सिलेक्ट करूँगा, मज़ा नहीं आया, बेकार हो गया, मेरे को ये नहीं चाहिए, इस पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ से ब्राइटनेस कॉन्ट्रेस्ट आप अपने हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, मान लीजिए जैसे आपको कोई व्हाट्सएप के जरिए फोटो भेज दिया, ठीक है, तो उसको आप चाहें तो इस तरह से कुछ एडिटिंग करके क्लियरिटी देके प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, ये वर्ड में भी होता है, एक्सेल भी बता रहा हूँ तुम्हें, एक्सेल से कैसे होगा वो बता दिया, पिक्चर मैनेजर से भी होता है, बहुत कुछ हो जाता है। ठीक है, क्रॉप भी आप कर लेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन वगैरह का है ये। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी वगैरह है, साइज का क्या होगा। ठीक है, शैडो कितना होगा। ठीक है, तो वही है लाइनिंग स्टाइल, कलर स्टाइल। ठीक है, लेकिन मैं इसको ज्यादा बता नहीं रहा, जो वर्ड में मैंने बताया है ना, जो चीजें वो सारा चीजें इसमें चलेगा, वर्ड में जो जो चीजें मैं बताया वो सारा चीजें चलेगा, सारा इफेक्ट वगैरह ये देखिए। ठीक है, ये देखिए पूरा। ठीक है, तो ये मेरा सिस्टम हैंग कर रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यही पिक्चर है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, वर्ड में जितना चीजें आपने किया है वो सारा चीजें इसमें होगा, बल्कि मैं वर्ड 2007 बताया हूँ, ये तो 2010 है, तो इसमें कुछ ज्यादा फीचर्स होगा। ठीक है, आगे आपका क्लिप आर्ट, जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर लूंगा LION, यही है शेर का स्पेलिंग, नहीं ये तो लायन का स्पेलिंग है, COW, काऊ करता हूँ शायद काऊ आ जाए। ये देखिए ये क्लिप आर्ट है, आप यहाँ पे सर्च करेंगे और क्लिप आर्ट से आ जाया करेगा। आप इसको भी एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, कैसे एडिटिंग करेंगे, यहीं से एडिटिंग करेंगे, ये कलर वगैरह तो बता ही दिया हूँ। कंप्रेस पिक्चर करने को बोल रहा है, कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, साइज कम करेगा। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, चेंज पिक्चर, जैसे मान लीजिए आपने फोटो इंसर्ट कर दिया और उस फोटो में कुछ फॉर्मेटिंग भी आपने किया है। ठीक है, तो इस फोटो को आपको डिलीट करना पड़ेगा और दूसरा इंसर्ट करना पड़ेगा, तो इंसर्ट कर लेंगे आप, लेकिन फॉर्मेटिंग चला जाएगा ना, वैसे तो फॉर्मेटिंग रहना चाहिए, इसलिए आप राइट क्लिक करके चेंज पिक्चर कर लेंगे, या फिर यहाँ से आप चेंज पिक्चर क्लिक कर लेंगे, चेंज पिक्चर पे। ठीक है, फिर उसके बाद रीसेट पिक्चर है यहाँ पे, इससे क्या मतलब है, रीसेट पिक्चर का मतलब ये है कि जैसे आपने कुछ एडिटिंग करा फोटो में, ठीक है, फोटो में आपने एडिटिंग करा और फिर वो एडिटिंग आपको पसंद नहीं आया, जैसे मैंने ये किया, अब ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है, अब कैसे करूँ, कंट्रोल जेड कर दूँ, लेकिन बहुत ज्यादा एडिटिंग अगर आप करेंगे तो क्या होगा, कंट्रोल जेड कितना बार मारेंगे, हो सकता है कंट्रोल जेड से भी काम ना करें, एक स्थिति आ जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, रीसेट पिक्चर कर देंगे। ठीक है, मैं कंट्रोल वाई दबाया, वापस आ गया, अब कर दूंगा मैं रीसेट पिक्चर। ठीक है, तो रीसेट हो गया, रीसेट पिक्चर एंड साइज करेंगे तो साइज भी रीसेट हो जाएगा, तो ये देखिए साइज भी बड़ा हो गया। ठीक है, क्विक स्टाइल, क्विक स्टाइल में कुछ फ्रेमिंग जैसा चीजें यहाँ पे दिया हुआ है जो आप देख रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ये थोड़ा डिजाइन दिख रहा है। ठीक है, तो आप भी ऐसा डिजाइन बना सकते हैं, ये देखिए कुछ ऐसा है, ये ऐसा है। ठीक है, ये कुछ और है, इसको मैंने मान लीजिए दे दिया। ठीक है, यहाँ पे आया, ये अब क्या बोल रहा है कि कैसा होगा कलर, कौन सा कलर, आउटलाइन कलर। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये दे दूँ तो दे दिया, लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ, इसका लाइनिंग कैसा होना चाहिए। ठीक है, ये देख लीजिए आप, तो यहाँ से आप फैसला कर लीजिए कि कैसा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मोर लाइंस पे मैं जाऊँगा तो बहुत सारा लाइंस मिलेंगे, ये देख लीजिए आप। ठीक है, लाइनिंग स्टाइल में ये कितना विड्थ होना चाहिए, यहाँ से आप फैसला कर लीजिए कितना होना चाहिए, डैश होना चाहिए तो कैसा डैश होना चाहिए। ठीक है, वही चीज़ें हैं बाकी, ये लाइनिंग स्टाइल में, शैडो में क्या है, शैडो में उसका परछाई कैसा आएगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन गेटिंग कहाँ था मैं, यही था ना, ये डैश वगैरह का है, मैं इस पर क्लिक कर दूँ क्या,
ये वाला कॉम्पैक्ट टाइप क्लोज, ये आ क्यों नहीं रहा है जी, पता ही नहीं चल रहा है इसमें तो, इतना ज़्यादा मैंने दे दिया है शेडोज। ठीक है, ये क्या है जी, इसमें और सारा दे रहा है, क्या दे रहा है, डिजाइन्स वगैरह। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ, ये तो मज़ा नहीं आया, पता नहीं कैसा दिख रहा है। ठीक है, शैडो में कुछ ये है, रिफ्लेक्शन में कुछ ये है, कुछ नीचे साइड रिफ्लेक्शन, मोर रिफ्लेक्शन में आप जाएंगे तो और ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आएगा, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, ब्लर, ब्लर कितना होगा, वही चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, यही दिख रहा है, ये क्या चीज़ें हैं, ये आपको मालूम है, बताया था मैं, एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जैसा कुछ। ठीक है, ये वैसा ही है, बस फर्क क्या है दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, ये देख लीजिए, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक, पिक्चर्स पे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ठीक है, इसको ले आता हूँ इसमें। ठीक है, और इसमें मैं क्लिक करूँगा फोटो पे, इसको ले लाऊँगा। ठीक है, तो ये पिक्चर्स में आ गया ऑर्गेनाइजेशन चार्ट वगैरह। ठीक है, ये पिक्चर वाला, ठीक है, यही है, बाकी इसमें कुछ रखा नहीं है। ठीक है, मैं डिलीट कर देता हूँ इसको। ठीक, मैं इस पर आऊँगा, डिलीट बटन दबाऊँगा, ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, फिर से पिक्चर ले लाऊँ, और इसको छोटा कर देता हूँ मैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, छोटा हो गया। ठीक है, क्रॉप भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कैसे, बड़ा आसान है यार क्रॉप वगैरह करना है ऐसे। हो गए, इसका ऐसे कर दीजिए कम, बैटरी मेरा लो हो गया क्या, बस इसको भर बता लेता हूँ, इसको ऐसे यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं, ये देख लीजिए। ठीक है, ये बड़ा आसान चीज़ है, ये सब आप लोग खुद कर लेना एक बार। ठीक है, पिक्चर्स पे मैं आके इस पे कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, मैडम तो निकल ली, मेरे को खुद ही जाना पड़ेगा, आप चार्जर लेने लगता है। ये क्या है, सैप, ऑटो सैप, कुछ आकृति। ठीक है, कुछ आकृति है, इनको वर्ड में तो मैं बता ही दिया था, तो एक्सेल में बताने का जरूरत है क्या, ऐसे आप लाइनिंग खींचेंगे तो लाइनिंग आ जाएगा। ठीक है, इसका चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, कलर बदल लेंगे आप। ठीक है, इसका विड्थ ऐसे बदल देंगे। ठीक है, एरोज किधर होना चाहिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि दोनों साइड एरो हो तो ऐसा हो जाएगा, मैं चाहता हूँ कि इसका लाइनिंग बदल जाए, कौन वाला करें, ये वाला करें, यही वाला कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब बहुत आसान चीज़ है, आप लोग कर लेंगे, आप लोग ज्ञानी आदमी हैं। ठीक है, मैं इस पर सेलेक्ट करके डिलीट बटन पर क्लिक कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, ऐसे आप डब्बा बना लेंगे। ठीक है, कंट्रोल दबा के खींचूंगा तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, फिर पकड़ के ऐसे खींच लूँगा। ठीक है, फिर ऐसे खींच लूँगा, फिर क्या करूँगा, इस पे आऊँगा, इसको ऐसे सेट कर दूँगा, ऐसे 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 ऐसे। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंसर्ट पे आऊँगा, यहाँ पे आऊँगा, इस वाले कॉलम को लूँगा, ऐसे खींच लूँगा। ठीक, और यहाँ पे आऊँगा, इसको ब्लैक करूँगा, और फिर मैं क्या करूँगा, इधर आऊँगा, इसको ऐसा कर दूँगा। ठीक है, और इस पे कंट्रोल दबा के खींच लूँगा ऐसे, और इसको पकड़ के खींच लूँगा इधर। ठीक है,
फिर कंट्रोल दबा के इसको खींच लूँगा ऐसे, ठीक है। आप लोग ऐसे सेंटर से ले आना, मैं कुछ भी खींच खाँच के ले आ रहा हूँ, ठीक है। फिर इसको पकड़ूँगा, इसको पकड़ के ले लाऊँगा ऐसे, ठीक है। इसी को ऐसे खींच लूँगा और इसको पकड़ के ले लाऊँगा ऐसे। तो इस तरह से भी मैं चार्ट कुछ बना लूँगा ऑटो स्वैप पॉकर का इस्तेमाल करके, ठीक है। या लिखना हुआ तो, हाँ बड़ा समस्या है लिखना हुआ तो, आप ही बता दीजिए लिखना हुआ तो क्या करना चाहिए। एमएस वर्ड में मैं बताया था नहीं बताया था, बताइए कैसे लिखेंगे। राइट क्लिक, फॉर्मेटिंग, ठीक है, ये आ गया, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, क्विक स्टाइल वगैरह में और भी स्टाइल आ जाएगा, ठीक है, इसमें और भी आ जाएगा, जितना आप चाहें उतना आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, कुछ और लिख दूंगा, रेफरेंस इज नॉट वैलिड, क्यों वैलिड नहीं रहोगे, अच्छा सिलेक्ट हुआ है ये, ठीक है। तो इस तरह से आप बदल लोगे ये सब, ठीक है। ये एक्सेल है, वर्ड में भी आप चाहो, ठीक है, तो ठीक इसी तरह से आप बना लोगे क्या, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के जैसा कुछ भी, ठीक ठीक है। राइट क्लिक कर दूंगा, एडिट टेक्स्ट में जाऊंगा, ऐसे लिख दूंगा मैं, ठीक। तो आपका ख्वाहिश था कि लिखना है तो कैसे लिखना है, तो मुझे उम्मीद है कि आपका ख्वाहिशें पूरा हो गया होगा। इसमें भी मैं कुछ लिख दूंगा, वर्ड में तो मैं बता ही दिया था, ठीक है, इसमें भी कुछ लिख दूंगा ऐसे, ठीक है, लिख दूंगा इधर प्रधानमंत्री है, इधर मुख्यमंत्री है, इधर बाकी मिनिस्टर हैं, बाकी इसके चमचा लोग इधर हैं, जो कि खाली क्या करेंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद, ठीक है। तो इसी तरह से आप बना लोगे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ये उम्मीद है मुझे क्लियर होगा आपको, ठीक है। कंट्रोल दबा के सारा मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसको पकड़ के खींच लूँगा तो डुप्लीकेट बनेगा, और डिलीट बटन दबाऊँगा तो वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। मैं बार बार एक एक ठो डिलीट करने से अच्छा इसको ही गोविंदाय नमो नमः कर दूंगा, ठीक है, ये ही डिलीट हो जाए, ठीक। चलिए जी, और आगे कुछ है इंसर्ट में, सैप तो हो गया, और भी सैप्स में दुनिया भर का है, आप जितना चाहो, ठीक है, जरूरत के आधार पे इस्तेमाल कर लो। आपको मालूम है सबसे बड़ा चीज जरूरत होता है, ठीक है, जिस सैप का जरूरत पड़े आप उसका इस्तेमाल कर लो, ठीक है, जिस सैप का जैसा जरूरत पड़े। अब ये मेरे को शकल पसंद है, मैंने ऐसे कर दिया, इसको ऐसे खींच लूंगा और व्हाट्सएप में इसको भेज दूंगा, तो सामने वाला कहेगा ऐसा भी होता है क्या, मैं बोलूंगा हाँ तुमको मालूम नहीं था, ठीक है। कैसे व्हाट्सएप में भेजेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, व्हाट्सएप वेब खोलेंगे, पेस्ट करके भेज देंगे, क्यों आपको लगता है ऐसे चला जाएगा, क्यों लगता है आपको चला जाएगा, हाँ या ना, चला जाएगा ना, क्यों चला जाएगा नहीं जाएगा, बोलो कंफ्यूजन बढ़ गया। चलिए जी आगे आता हूं मैं, ये स्मार्ट आर्ट है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आप लोग नाम सुने होंगे, ये वही है, ठीक है, ये अलग अलग डिजाइन का है, ठीक है, आप जो चाहे ले लें, ठीक है। ये आल वाला है, लिस्ट में जाऊंगा तो कुछ इस तरह का है, ठीक है, ये देखिए, ओके मैं कर दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिखना शुरू करूंगा, ठीक है, यहाँ पे आऊंगा फिर कुछ लिखूंगा फिर एंटर मारूंगा, इसके अंदर कुछ लिखना है तो टैब मारूंगा, ठीक। आप लोगों को मल्टी लेवल बुलेट्स आता है, मल्टी लेवल बुलेट्स नंबर नहीं आता, आता है हाँ ना, नेताओं की तरह आप लोग तेज क्यों नहीं बोलते, नहीं आता नहीं। तो आता क्यों नहीं, मैं तो बताया था एमएस वर्ड में, आप लोग प्रैक्टिकल करके देखे नहीं क्या, नहीं देखे आप लोग प्रैक्टिकल करके, नहीं देखे तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। फिर यहाँ पे ऐसे आएगा, नहीं आता तो पूछा भी नहीं आप लोगों ने, और मुझे लगा कि सब ज्ञानी लोग हैं नहीं पूछ रहे, मतलब सबको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, इस तरह से आप बना लेंगे कुछ चार्ट, ठीक है,
इसका डिजाइन बदलना है तो ऐसे क्लिक करेंगे तो बदल जाएगा। कितना बढ़िया है, वाह। ठीक है, ऐड और करना चाहेंगे तो यहाँ से भी ऐड हो जाएगा। ये देखिए ऐड हो रहा है ना नीचे, मैं क्लिक करूँगा सब डिलीट कर दूंगा। अब दूसरा इंसर्ट करते हैं। ठीक, यहाँ पे आऊँगा स्मार्ट आर्ट प्रोग्रेस। ठीक, इस पे मैं कौन सा ले लूँ, ये लीजिए मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है, बहुत सारा है प्रोग्रेस का भी चार्ट। ठीक है, आप लोग देख लो आपको पसंद कौन सा, इसमें से कौन सा डिजाइन मेरे को चाहिए, मैं फैसला करूंगा। मेरा कंप्यूटर है, मेरा एक्सेल है, मैंने इंस्टॉल किया है, आप लोग भी उसी तरह से कर लो। ठीक है, यहां बोल दिया कोरोना का कोरोना। ठीक, पहला नहीं दूसरा लिख दिया, पहला फेस। क्या हो गया, मेरा लैपटॉप चार्ज अभी भी नहीं हो रहा है, इसमें आ तो रहा है करंट, अच्छा अब होने लगा। ठीक, कोरोना का पहला फेज, इसमें क्या होगा, घर में रहो, बाहर मत निकलो। और एंटर मारा, एंटर हो कह नहीं रहा है, नो प्रॉब्लम, यहां से आके एंटर मारूंगा तब एंटर होगा। फिर क्या है, फांसी लगा दे तो भी मत निकलो, फिर यहां से आओ एंटर मारो, भूख से मरो तो भी ना निकलो। ठीक, फिर नीचे आया कोरोना का दूसरा फेज, कोरोना कोराना हो गया ये तो। ठीक है, अब इसमें यहां आऊंगा मैं, क्या लिखूंगा इसमें, सरकार कहे तब मत निकलो, फुल्की खाने का मन करे तो निकलो। ठीक, फिर एंटर, चाट खाने का मन करे तो मत निकलो। ठीक, अत्यंत आवश्यक काम है तब निकलो। ठीक है, फिर इधर आया, फिर लिख देता हूं कोरोना। ठीक, फिर यहां पे आ जाता हूँ इस वाले टेक्स्ट में, यहाँ पे मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आएगा तो पूछना, और नहीं पूछोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक, फिर यहाँ पे लिख देता हूँ गवर्नमेंट झूठ बोलता है, फिर नीचे आके लिख दूंगा कोरोना जैसा कुछ चीज होता ही नहीं है, फिर नीचे लिख दूंगा सब कुछ बढ़िया है हाल फिलहाल। ठीक है, इस तरह से आप बना लोगे आपको जो बनाना है। ठीक है, इस पे मैं सेलेक्ट करूंगा, बहुत अच्छा से ये सब हो जाएगा, ग्राफिक्स कन्वर्ट। ठीक है, ये क्या हो गया, कुछ हुआ नहीं है अभी, मैं कुछ करना चाह रहा था बट बाहर आ जाऊं मैं, अब सेलेक्ट करूंगा, ये ड्राइंग में पूरा हो गया है कन्वर्ट। ठीक है, तो मिटा देता हूं मैं, समझ तो गए होंगे आप लोग। ठीक है, फिर से इसमें आ रहा हूं, प्रोग्रेस वाला हो गया ना, इसमें क्लिक करूंगा तो वही प्रोग्रेस वाला आएगा, जैसे ये प्रोग्रेस हो रहा है पहले ये। ठीक है, डायरेक्शन अगर आप बदलना चाह रहे हैं बदल जाएगा। ठीक है, ऐड करेंगे तो ऐड होगा, इससे ऐड सेप पे जाएंगे, ऐड हो जाएगा, आखिरी में आ गया ना, तो इसी तरह से ऐड में कर दूंगा तो बहुत सारा ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐड बुलेट्स पे क्लिक करूंगा तो बुलेट्स ऐड होने लगेंगे, लेकिन कहाँ ऐड होने लगेंगे, ठीक है, यहाँ पे ऐड होने लगेंगे, यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए आपको ये तीर का साइन दिख रहा है, हाँ तो वही लेफ्ट राइट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आके इसको खींच लूंगा, ठीक, लेफ्ट राइट। ठीक है, ये देखिए हैंग कर रहा है मेरा सिस्टम, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। लेआउट आपको कौन सा चाहिए, आप बदलना चाह रहे हैं क्या, इस तरह से बहुत सारा है, आप देख लो अपने हिसाब से, आपको जो पसंद है ले लो, मेरे कहने से नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद आऊंगा स्मार्ट चार्ट में, उसी तरह से साइकिल वाला चार्ट है, ये देख लो, मैं जैसे इसको ले लूं तो ये देख लीजिए, ये देखिए साइकिल इस तरह से घूमेगा। ठीक है, सबसे पहले इंसान जन्म लेंगे, जन्म लिख देता हूं, फिर क्या करेगा, वो बड़ा होगा, बड़ा होगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, स्कूल जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, पढ़ने के बाद नौकरी का तलाश करेगा, मतलब जॉब चाहिए। फिर उसके बाद क्या करेगा, पैसा बनाएगा। एक ठो मेरे को और जरूरत पड़ गया, मैं क्या करूंगा, ऐड सेव कर दूंगा। ठीक, तो आ गया यहाँ पे,
ठीक है, वहां से ना करके मैं यहां से भी कर ये सकता था, ठीक है, यहां से भी मैं लिख सकता हूं पैसे बनाएगा, फिर क्या करेगा, घर बनाएगा, घर बना लिया, उसके बाद क्या होगा, टपक जाएगा, ठीक है, तो मर गया। अब इसका प्रॉपर्टी इसके बच्चे खा लेंगे, उनके भी पेट भर जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग भी साइकिल बना लेंगे, ठीक है। मैं डिलीट कर देता हूँ इस साइकिल को, ठीक है। बाकी देख लो जो आपको पसंद आए, हायरार्की है, जो हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में बोल रहा था ना, वो ये भी है, एक इस तरह से भी आप बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे टेक्स्ट होगा, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो आप बना लेना, मेरे ध्यान में तो अभी कुछ है नहीं, कुछ चार्ट वगैरह, इसीलिए मैं नहीं चार्ट बना के दिखा रहा हूँ कुछ प्रोफेशनल, ठीक है। लेकिन कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी आ जाओ, फिर यहाँ पे भी आ जाओ, ऐड पे क्लिक कर दो तो यहाँ इसके नीचे ऐड हो गया, ऐड पे क्लिक कर दिया तो ऐड हो जाएगा दो ठो, ठीक है। अब इसी के बगल में एक ठो चाहिए तो इस पे आके कर दूंगा, अरे हो ना, टाइम क्यों ले रहा है, इसमें ऐड हो गया, इसको समझता नहीं है क्या। मैं इसमें आऊंगा, इस पे मैं आ जाऊंगा, यहाँ पे आऊंगा, एंटर कर दूंगा, अब तो आ ही जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से बना लूंगा मैं, ठीक है, आप लोग भी इसी तरह से बना लेंगे, ठीक है, बन जाएगा। खत्म होगा ये तो मैं कुछ टास्क आपको दे दूंगा, वो आप लोग बना लीजिएगा, जब आप लोग बना लेंगे तो आपको भी आइडिया हो जाएगा पूरा। यहाँ पे डिजाइंस वगैरह कुछ है, ठीक है, तो ये डिजाइंस आप लोग देख लीजिए, कन्वर्ट टू सैप, इसी पे मैं क्लिक कर दूंगा तो ये क्या हो गया, ये आकृति के जैसा फिर हो जाएगा, ये सैप के जैसा, ठीक है, देखिए आ गया, ठीक है। मैं डिलीट कर दे रहा हूँ इसको, स्मार्ट आर्ट अब तो मेरे को लगता है खत्म हो गया, ये वही सब है, ठीक है। अब मैं एक एक क्या बोलते हैं, एक एक कमांड्स में जाऊंगा, एक एक चार्ट को बताऊंगा, तब तो हो सकता है कि बहुत टाइम लगे, लेकिन फिर भी मैं आपको वर्ड में जो है बता दिया हूँ, ठीक है। तो वर्ड में जैसा इस्तेमाल होता है ना, वैसा ही इस्तेमाल इसमें भी होगा, ठीक है। उसके बाद ये स्क्रीनशॉट है, ये मेरे में स्क्रीनशॉट है, आप में स्क्रीनशॉट होगा नहीं, ठीक है। अब इसको पकड़ के मैं ऐसे खींच लूंगा, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट खींचा गया और ये वर्ड में इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं इस तरह से, ठीक है। 2007 में ये नहीं होगा, ये मेरे में है, 2010 में है, ये 13 में मिलेगा, ठीक है। आपका 2007 वाला है तो उसमें होगा नहीं, ठीक है, छोटा कर दूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मैं डिलीट बटन पर क्लिक करूंगा तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। मुझे एक चीज अभी याद आया, मैं बताया नहीं था पहले, ठीक है, ये जो कॉलम है ना, ये सारा कॉलम ऐसे सेलेक्ट करना है, पूरा कॉलम तो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारा सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारा सेलेक्ट हो जाएगा, ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरा सेलेक्ट होगा, पकड़ के खींच लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये विड्थ वगैरह को तो मैं बताया था आप लोगों को, ठीक है, तो ये आपको मालूम ही होगा, ठीक है। लास्ट कॉलम पे जाना है या रो पे, तो कंट्रोल के साथ राइट एरो मारेंगे तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा होगा तो यहाँ पे आएंगे तो आखिरी वो लिखा वाला में पहले जाएगा, फिर दबाएंगे तो आखिरी में जाएगा, ठीक है। फिर इंसर्ट में और क्या है, स्क्रीनशॉट हो गया, कॉलम, कॉलम में क्लिक में कर दूं, कर देता हूं जी क्लिक, सेलेक्ट डेटा, मैंने डेटा तो कुछ बनाया ही नहीं है, ठीक है, चलो डिलीट कर देता हूँ। डेटा कहाँ से लाऊं, कॉलम को थोड़ा और जो है बता दूंगा बाद में, मैं अभी आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, नेम और फिर एम बी ई आर, ठीक है। नेम में क्या डाल दूं, सुमित का मैं लिख दिया, कहाँ पे सुमित 10 नंबर, अमित 20 नंबर, और क्या लिख दूं, रमेश 30 नंबर, यहाँ पे क्या लिख दूं, कुछ भी 100 नंबर, ठीक, ऐसे पकड़ लूंगा, ठीक है।
यहाँ पे आ जाऊंगा, क्लिक कर दूंगा इस पे, ये देखिए आ गया। अब देखिए मेरे मैं डेटा मेरे पास अभी है नहीं, ठीक है, और डेटा मैं अभी तुरंत कुछ बना नहीं सकता, ठीक है, बाद में मैं कभी ट्राई करूंगा डेटा बनाने को, तो मैं कुछ फॉर्मेट्स डेटा वगैरह वैसा लेके आऊंगा तो आपके सामने और एक्सप्लेन कर दूंगा चार्ट इसको, ठीक है। अभी फिलहाल देखिए जैसे सुमित का 10 है, अमित का 20 है, रमेश का 30 है और कुछ भी का 100 है, ठीक है, ये मैं पढ़ूंगा तब मेरे को पता चलेगा ना, लेकिन बिना तो इसको चार्ट के रूप में व्यक्त करना है तो मैं ऐसे व्यक्त कर दूंगा, ठीक है, चार्ट के रूप में, ठीक। अब मैं सिर्फ देखूंगा तो एक ही नजर में मुझे पता चल जाएगा कि जो ये कुछ भी है ये सबसे ज्यादा काम किया है, रमेश है उससे कम किया है, अमित है ये उससे कम किया है, सुमित है ये तो सबसे लापरवाह है, ठीक है। तो इस तरह से मुझे पता चल जाएगा। चार्ट का टाइप यहां से दूसरा उठा लूंगा, तो ये देखिए इसमें जो है पहले वो क्या बोलते हैं एक में ही है, ठीक है, डेटा तो एक ही तो है, देखिए 10, 20, 30, इसीलिए पता नहीं चल रहा है इसमें। डेटा अगर और होता ना तो पता चलता, डेटा और होगा तो बाकी को मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। कई तरह के हैं, पहले तो इस सेव एज अ टेम्पलेट, सेव करेंगे तो टेम्पलेट के रूप में ये सेव हो जाएगा, मैं सेव नहीं कर रहा अभी, ठीक है। अगला यहाँ पे ऑप्शन है स्विच टू रो कॉलम, ठीक है, स्विच कर दिया आप। अब इसमें क्या हो गया, यहाँ पे एक ही डेटा है तो यहाँ पे एक दिख रहा है, सुमित का कौन सा है ये वाला है, अमित का कौन सा है ये है डेटा, रमेश का कौन सा है ये है, कुछ भी का ये वाला है, ये बहुत मेहनत करता है आदमी, ठीक है। फिर से इसको ऐसे कर देंगे रो को कॉलम, कॉलम को रो में, तो ऐसा हो जाएगा। सेलेक्ट डेटा में क्लिक करेंगे तो मान लीजिए मेरे पास एक और डेटा आ गया, एक और डेटा से मतलब यहाँ पे नंबर टू कर दो क्या, नंबर टू, ठीक। इसमें भी कुछ मैं बढ़ा देता हूँ, 20, 30, 40, 50, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको साइड में खिसका लू ऐसे, ठीक। अब क्या करूंगा मैं कि यहां से पकड़ गई इसको ऐसे कर लूंगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ सेलेक्ट डेटा में भी वैसे ही मैं सेलेक्ट कर सकता था, ठीक है। ओके बटन पे मैं क्लिक किया, अब देखिए सुमित का ये दो ठो है, अमित का दो ठो है, रमेश का दो ठो है, कुछ भी का भी दो ठो है। अब इसको मैं जो है बदलूंगा ना चार्ट का टाइप, तो जो है आ जाएगा, ये देखिए सुमित ने एक में इतना काम किया है, दूसरे में इतना काम किया है, ये कुछ भी है इस वाले डेटा में, मतलब नंबर वन में तो इतना काम किया है लेकिन नंबर टू में इतना काम किया है। जैसे मान लो ये अलग प्रोडक्ट है, ये अलग प्रोडक्ट है, ये साबुन बेचने का प्रोडक्ट है, ये निरमा बेचने का प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पे कर दो साबुन, यहाँ पे क्या कर दो निरमा, ठीक, निरमा हो गया, ये साबुन हो गया, ठीक है। तो इसने ज्यादा बेचा है, कम बेचा है, वही चीजें हैं, बाकी कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। पेज लेआउट कॉलम्स, इसमें आके मैं इसमें आऊंगा, ठीक है, ये डिजाइन्स वगैरह है, ठीक है, मेरे को यही पसंद है तो मैं इसी को रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आऊंगा तो यहाँ पे और भी अलग अलग तरह के हैं, इस पर क्लिक कर दूंगा तो कलर वगैरह पूरा बदल जाएगा, ठीक है, बाकी सारा कलरिंग वगैरह का है। मूव करूंगा तो कहीं मूव हो सकता है, जैसे न्यू सीट, ठीक है, ओके किया, दूसरा में आ गया, ठीक है। ये देखिए चार्ट अलग आ गया, सीट थ्री इधर है। फिर से इसको क्या करूंगा, मूव, कहाँ मूव करना चाह रहा हूँ, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मूव कर दो सीट टू में, सीट थ्री में, ठीक है, तो ओके कर दूंगा तो ये सीट में दोबारा से आ गया, ठीक है। फिर इसमें आऊंगा लेआउट में मैं, ठीक है, चार्ट का टाइटल नन है अब, ठीक है, ऐसे कर दूंगा तो यहाँ पे चार्ट का टाइटल आ जाएगा, मैं कुछ भी चार्ट का टाइटल यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सैप वगैरह पिक्चर्स वगैरह आएगा, ठीक है, इसमें मैं जाऊंगा, ठीक है, तो इसको कर दूंगा ऐसे, ये आ गया नीचे, ठीक है, नन कर दूंगा तो गायब हो जाएगा, यहाँ पे टाइटल आएगा, ठीक है। प्राइमरी, ये देखिए यहाँ पे आ गया टाइटल, एक किधर आपको चाहिए, लेफ्ट राइट जिधर आपको चाहिए, वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल में वो कर देगा, ठीक है। तो यही सब है, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं जो है, ठीक है। लीजेंड, सो टू राइट, टॉप कर दूंगा तो टॉप में दिख रहा है, ये वाला देख रहे हो आप लोग, ये
यही सब है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, इधर आ गया। ठीक है, तो यही है, सबको आप एक एक बार जाना। ठीक है, ओवरले कर दूंगा तो इसमें ओवरलैप कर गया, पर मुझे ये पसंद ही नहीं है, इसको कर दूंगा मैं राइट, मुझे यही पसंद है तो मैं यही कर दूंगा। ठीक है, डेटा का लेबल सेंटर में है, तो ये देखिए यहाँ पे सेंटर में डेटा का लेबल आ गया ना, तो यही सब है इसमें। इनसाइड कर दूंगा तो ये नीचे आ गया है। ठीक है, बाकी भी ऑप्शन है, आप वहाँ पे जाके कर लेना जो आपको पसंद है। इसमें बाकी लेबल का ऑप्शन है। ठीक है, डेटा टेबल शो, डेटा टेबल। ठीक है, अब ये जो था ना, ये नीचे भी जो है दिखाई देने लगा। ठीक है, नीचे दिखाना है मुझे पसंद नहीं है, मैं क्या कर दूंगा, नन कर दूंगा, तो ये नहीं दिखाएगा। ठीक है, कुछ समस्या किसी को तो बताइए जरा आप लोग, नहीं है, है? हाँ ना, कुछ तो कह दो, नहीं कहना, नहीं कहोगे तो मत कहो, मुझे जरूरत नहीं है। डिलीट किया, सेलेक्ट, यहाँ पे आऊँगा, फिर से मैं चार्ट ही इंसर्ट कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। ये एक तो एक्स्ट्रा था ना, तो एक तो ये एक्स्ट्रा जो है आ गया है। ठीक है, बाकी तो और इसमें कुछ मेरे को दिख बताने योग्य लग नहीं रहा है। ठीक है, तो सबको क्लियर, नहीं क्लियर, क्लियर है, नहीं है क्लियर। चार्ट को हम अभी और थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, इंसर्ट करना तो बड़ा आसान है, आप लोग देख ही लिए हो। ठीक है, ये आ गया, यहाँ पे टाइटल भी अब आने लगा, निर्मा साबुन, जो हिंदी में मैं लिखा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहो तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, नाम पहले नहीं आ रहा था, अब जो है आ रहा है, क्योंकि मैं सेलेक्ट किया है मैंने। ठीक है, इसको पकड़ के ऐसे कर दूं। ठीक है, तो ये नाम बदल गया जो है, तो मुझे ये नहीं करना चाहिए इधर पकड़ के। ठीक है, क्योंकि डेटा तो इधर है ना। ठीक है, और कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है, है? मैं सारा इसको अब कर दूंगा डिलीट। ठीक, तो चार्ट आप लोग ये और देख लेना। ठीक है, ये लाइनिंग्स वगैरह भी चार्ट का ही हिस्सा है। ठीक है, कोई समस्या हो तो बताइए, नहीं है, है? आगे, एक बज के 23 मिनट हो गया। ठीक है, मुझे थोड़े कुछ और काम करने हैं। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिकल करिएगा। ठीक है, मैं बाकी दिन जो है बाकी को बता दूंगा। ठीक।